अच्छा विशाल, एक वक्त होता था कि अगर हम देखें ना गांव के अंदर ख़ास तौर पे जो शहतूत के दरख्त की मतलब लकड़ी से बनी हुई जो टोकरियाँ होती थी ना, वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और बहुत ज़्यादा बनवाई भी जाती थी। अच्छा। इसका आहिस्ता आहिस्ता रुझान कम हो गया। लेकिन हमजा, मुझे शहतूत की टोकरियों का तो खैर उतना आइडिया नहीं था, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो शहतूत, हम गाँव गए और शहतूत देख कर उन्होंने कहा कि ये ब्लैक बेरीज हैं। अच्छा। उनको पता नहीं था कि ये क्या है, तो मैंने उनको बताया मैंने कि ब्लैक बेरीज, उन्होंने मान लिया कि ये ब्लैक बेरीज है, बड़े शौक से खाते रहे। तो साहिवाल से हमने स्पेशली हैंडीक्राफ्ट जो हैं उनके हवाले से ये रिपोर्ट तैयार करवाई है, जिसमें शहतूत की लकड़ी से टोकरियां बनाई जाती हैं जिसकी हमजा बात कर रहे हैं। तो आइए मैं भी देखती हूं, आप भी देखिए। एक वक्त था जब देहातों में हाथ से बनी हुई शहतूत की टोकरियां बनाने और इस्तेमाल करने का रवाज आम था। देहातों में इन टोकरियों या बड़े टोकरों का इस्तेमाल बहुत से कामों के लिए होता था। मोहम्मद मंजूर भुट्टो नगर के रिहायशी हैं। उन्होंने बताया कि वो गुज़श्ता 40 बरसों से तूत से टोकरियां बना रहे हैं। पहले तूत की शाखों को अच्छी तरह साफ करने के बाद तराश कर पानी में भिगोया जाता है। शाख में लचक पैदा करने के लिए सर्दियों में सिर्फ एक दिन के लिए और गर्मियों में बाज़ोकात 3 से 4 दिनों तक भी शाखों को भिगो कर रखना पड़ता है। छोटी टोकरी 100 रुपए और बड़ी 200 रुपए में फरोख्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि वो हफ्ते में 30 से 40 टोकरियां बना लेते हैं। मोहम्मद मंजूर ने इस बात की भी तस्दीक की है कि शहतूत की टोकरी की जगह अब प्लास्टिक की टोकरियों ने ले ली है। मोहम्मद मंजूर कहते हैं कि वो अपने बाप दादा से सीखे हुनर को अपनी अगली नस्ल में मुंतकिल करने पर तैयार नहीं है। सवाल ये है कि उनके इस खत्म होते विरसे की हिफाजत कौन करेगा। किस तरह टहनियों से वो जो है अभी भी टोकरियां बना रहे हैं। खैर, हम देखते हैं कि जिद्दत के साथ चीज़ें जो है इस तरह की वो वाकई कम होती चली जा रही हैं। खैर, हम ब्रेक लेंगे, यहाँ पर ब्रेक के बाद फिर आएंगे। स्टे विद अस।